माइनक्राफ्ट में बोर हो रहे हो तो ये वाले बिल्ड्स बनाओ। देखो अगर आप एक नॉर्मल मेलन को रखोगे ना तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, लेकिन अगर आप मड के साथ ये वाली रूट को रखोगे ना तो ना आपको ना एक ये वाला मेलन मिलेगा जो कि ऐसे सड़ा हुआ मेलन लगता है। अगर आप हॉन्टेड वगैरह बिल्ड बना रहे हो तो आप इसको अपने फार्म के अंदर रख सकते हो एक अलग डेकोरेशन के लिए। देखो एक स्लैब नॉर्मल ऐसे ना लेटा हुआ होता है, ऐसे हॉरिजॉन्टल होता है। अगर आपने इसको वर्टिकल बनाना ना तो आप ऐसे दो ट्रैप डोर को ना खड़ा कर सकते हो। यहाँ पे देखो हमारा वर्टिकल स्लैब बन चुका है। माइनक्राफ्ट के अंदर घर बनाते हो और उसके ऊपर ना आप उसकी चिमनी बनाते हो ना तो चिमनी में से ना धुआं निकलता है, और धुआं बनाने के लिए ना आप ऐसे बहुत सारे बैरियर रख सकते हो क्योंकि बैरियर बाद में गायब हो जाते हैं, और बैरियर के ऊपर ना आप ऐसे ना डेड कोरल लगा सकते हो। डेड कोरल का कलर ग्रे होता है तो दूर से देखने पे ऐसे लगेगा कि यहाँ से धुआं निकल रहा है। आप कैंप फायर का यूज भी कर सकते हो, लेकिन कुछ अलग ट्राई करो और साथ में सब्सक्राइब।